सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र में कथा सुनने जा रहे एक युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर उच्चाधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। गौरतलब हो सवरपुर गांव निवासी 28 वर्षीय युवक पड़ोस के गांव में कथा सुनने के लिए घर से निकला था, जिसे रास्ते में पड़े जंगल में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों के अनुसार मृतक मंगलवार की रात तकरीबन 9 बजे पड़ोस के गांव में हो रही भागवत कथा का व्याख्यान सुनने के लिए निकला था। जब वह घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो गांव के दक्षिण जंगल में खून से लथपथ उसका शव मिला। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर घटनास्थल पर कमलापुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस अधीक्षक समेत उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गहनता से पड़ताल में जुट गए। गहनता से पूछताछ में परिजनों ने गांव के ही ट्रक ड्राइवर अमित यादव पर आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक की पत्नी व अमित के जायज संबंध थे, जिसको लेकर पूर्व में विवाद भी हो चुका है, जिससे अमित खुन्नस खाए हुए था। वहीं पुलिस की शक की सुई अमित यादव की तरफ घूमी, जिसकी खोजबीन शुरू हुई। पुलिस की खोजबीन की भनक अमित को लग गई, जो गांव से भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने भागते समय गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि अमित यादव ने जुर्म को कबूल कर लिया है। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।